हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री में अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, राइट, एंड देन दूसरी तरफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसके बारे में पढ़ा था, राइट। तो किस तरह से यहाँ पे जो है इंडस्ट्री वो बनती है, राइट, हमारे भारत में जो है किस तरह से नई इंडस्ट्री जो है यहाँ पे वो राइज होती है, उसके बारे में बात की थी हमने। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एजुकेशन, राइट। अब जो है ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हमारे भारत में एजुकेशन के ऊपर भी जो है वो फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारे जो नेटिव्स हैं वो सिविलाइज्ड हों, राइट, वो पढ़े लिखे हों, राइट, कुछ मॉरल एटीट्यूड्स जो होते हैं वो उनके बीच में यहाँ पे हो। तो वो ही चाहते थे कि जो नेटिव्स हैं यहाँ के उन्हें सिविलाइज किया जाए एंड नेशन को जो है एजुकेट किया जाए। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो सबसे पहले एक वर्ड है लिंग्विस्ट, उसका मीनिंग देख लेते हैं। लिंग्विस्ट कौन होता है? समवन जो यहाँ पे एक तरह से जिसने कई सारी स्टडीज यहाँ पे की होती हैं एंड जो जो है कई सारे जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके बारे में वो जानता है। तो अर्लियर चैप्टर्स में आपने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से जो ब्रिटिश रूल है वो राजास को, नवाब्स को, पीजेंट्स को, ट्राइब्स को, सबको जो है वो अफेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा है, राइट, अपनी प्रीवियस वीडियोस में। सो नाउ इन दिस चैप्टर हम ये समझेंगे कि जो स्टूडेंट्स है उनकी लाइफ के ऊपर जो है अब इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। राजस के बारे में देखा, नवाब्स के बारे में पढ़ा, पीजेंट्स, ट्राइब्स, इनके ऊपर जो है ब्रिटिश रूल का अफेक्ट हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर ब्रिटिशर्स का अफेक्ट देखेंगे, राइट। सो फॉर द ब्रिटिश इंडिया, ये जो है एक तरह से टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट तो करना चाहते थे, इसके साथ साथ जो है वो रेवेन्यूज को भी यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते थे। एंड अभी ये भी ये जो है एक तरह से एक और मिशन था इनका, वो था कल्चरल मिशन, ओके। वो जो है नेटिव्स, जो नेटिव्स थे यहाँ के जो इंडियंस थे उन्हें वो सिविलाइज करना चाहते थे। यहाँ के जो कस्टम्स हैं, राइट, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, यहाँ के जो वैल्यूज हैं उन्हें भी वो चेंज करना चाहते थे। सो व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, कौन कौन से चेंजेस जो है अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने हैं, ये जो है अब इनके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है। अब किस तरह से इंडियंस को जो है एजुकेट किया जाए, किस तरह से इंडियंस को सिविलाइज किया जाए एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव वर गुड सब्जेक्ट्स, किस तरह से इंडियंस को एक गुड सब्जेक्ट जो है वो बनाया जाए, राइट। तो ये क्वेश्चन आप जो है इनके माइंड में राइज हो जाते हैं एंड इसके ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर आप जो है डिबेट होनी स्टार्ट हो जाती है। सो द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस का जो है कोई सिंपल आंसर्स इन्हें यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि जो इंडिया की सोसाइटी है वो काफी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, राइट। सो दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स, कई दशकों तक जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर जो डिबेट होती है वो कंटिन्यू रहती है। तो एजुकेशन को जो ब्रिटिशर्स जो है वो किस तरह से देखते हैं, क्या थिंकिंग है यहाँ पे ब्रिटिशर्स की एजुकेशन के ऊपर वो देखेंगे कि ब्रिटिशर्स, लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड। एजुकेशन के कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिसे आज हम प्रेजेंटली फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो इवॉल्व हुए थे इन द लास्ट 200 ईयर्स। तो इन आइडियाज को जो है अराउंड 200 साल लगे थे इवॉल्व होने के लिए। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू द ब्रिटिश आइडियाज। तो जब ये ब्रिटिशर्स जो हैं अपने आइडियाज को हमारे इंडियंस के ऊपर जो है थोपने की कोशिश करते हैं, तो इंडियंस जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, एंड किस तरह से अब इंडियंस जो है वो अपने व्यूज देते हैं कि इंडियंस को किस तरह से एजुकेट करना चाहिए। तो ये चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब जो है यहाँ पे इसी बीच में एक ओरिएंटलिज्म का जो ट्रेडिशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? जिन्हें जो है लैंग्वेज की एक स्कॉलरली नॉलेज होती है, राइट, लैंग्वेज को जो अच्छे से वो जानते हैं एंड एशिया के कल्चर की भी जो है एक अच्छी नॉलेज उन्हें होती है, उन्हें हम जो है ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। तो क्या होता है, 1783 में एक पर्सन थे जिनका नाम था विलियम जोन्स, वो कलकत्ता में पहुंचते हैं। उन्हें जो है एक जूनियर जज के तौर पे जो है अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कंपनी ने सेटअप किया था कलकत्ता में, ओके। इसके साथ साथ जो है वो एक्सपर्ट थे लॉ में भी,
जो विलियम जोन्स थे वो एक तरह से एक्सपर्ट थे लॉ में, उसके साथ साथ जो है वो एक लिंग्विस्ट भी थे, लिंग्विस्ट जिन्हें जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस की नॉलेज है, ओके वो लिंग्विस्ट भी थे। उन्होंने ग्रीक एंड लैटिन भाषा पढ़ी थी, फ्रेंच एंड इंग्लिश को भी वो जानते थे, एंड अरेबिक जो है उन्होंने अपने एक फ्रेंड से सीखी थी, एंड पर्सियन जो है वो भी उन्होंने पढ़ी थी। तो लॉट्स ऑफ लैंग्वेज जो है राइट उनकी नॉलेज उन्हें थी। तो कलकत्ता में जो है वो वहां के जो पंडित थे कलकत्ता में, उनके साथ जो है कई कई घंटे जो है वो बिताना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पंडित जो है उन्हें संस्कृत लैंग्वेज की भी नॉलेज देते हैं, ग्रामर एंड पोइट्री की भी नॉलेज देते हैं, ओके। एंड जल्दी ही जो है वो जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं जो कि लॉ के ऊपर लिखे गए हैं उसे भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया की जो फिलॉसफी है, रिलीजन हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, मोरेलिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन या फिर कुछ और साइंसेस के ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो पुराने एंशियंट टेक्स्ट हैं उसे पढ़ना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इन सब चीजों को पढ़ के जोन्स जो हैं वो ये डिस्कवर करते हैं डेट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन दी कलकत्ता एट दैट टाइम। तो जोन्स जो है ये भी फील करते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स कुछ और भी हैं जो कलकत्ता में यहाँ पे रह रहे हैं, एंड उनका भी जो है एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो है राइट उसमें जो है वो इंटरेस्टेड है। तो एक इंग्लिश मैन थे हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, नेथनिल हेलहेड, दे वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग दी एंशियंट इंडियन हेरिटेज। तो वो भी इंडियन हेरिटेज जो है उसे पढ़ने में बिजी थे राइट, इंडियन लैंग्वेजेस को वो सीख रहे थे, एंड जो संस्कृत एंड पर्शियन वर्क जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हें वो ट्रांसलेट कर रहे थे टू द इंग्लिश। एंड उनके साथ साथ जो है जोन्स जो है इनके साथ मिलके अब ये जो विलियम जोन्स है वो क्या करते हैं, एक एशियाटिक सोसाइटी बनाते हैं बंगाल में, एंड एक नया जर्नल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एशियाटिक रिसर्चेस राइट। तो ये सारे इंग्लिश मैन जो हैं जो विलियम जोन्स हैं, एंड इन सब के साथ मिलके विलियम जोन्स क्या करते हैं, एक एशियाटिक सोसाइटी जो होती है बंगाल में वो सेटअप करते हैं, एंड एक एशियाटिक रिसर्चेस नाम का जर्नल जो है वो भी स्टार्ट करते हैं। तो क्या था, जोन्स एंड कॉलब्रुक जो है दे केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवार्ड द इंडिया। तो इनका जो एटीट्यूड होता है इंडिया की तरफ वो चेंज हो चुका था जब ये एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ते हैं राइट। वो जो है एक तरह से जो एंशियंट कल्चर्स है राइट उनकी तरफ जो है इनका डीप रिस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। इंडियन सिविलाइजेशन हो गया, दे फेल्ट हैड अटेन इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट। जो इंडिया का सिविलाइजेशन था वो जो है एक काफी अच्छी ग्लोरी के ऊपर था हमारे एंशियंट पास्ट में, बट धीरे धीरे जो है ये डिक्लाइन हो जाता है। जो सोसाइटी थी हमारे इंडिया की वो सिविलाइज थी, हमारे पुराने जो पूर्वज थे इंडिया के वो काफी सिविलाइज थे, बट धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर दीज सेक्रेड एंड द लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशियंट पीरियड। तो वो ये बोलते हैं कि इंडिया को अच्छे से समझने के लिए हमारे जो पुराने लीगल टेक्स्ट हैं या फिर जो पवित्र टेक्स्ट हैं जो कि एंशियंट इंडिया में लिखे गए हैं उन्हें डिस्कवर करना काफी जरूरी है। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज। तो वही जो टेक्स्ट है जो पुराने एंशियंट टेक्स्ट है वही जो रियल आइडियाज हैं एंड जो लॉज हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स के उन्हें वो अच्छे से रिवील कर सकते हैं। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इंडिया। एंड इन टेक्स्ट की एक न्यू स्टडी होनी चाहिए यहाँ पे, एंड उस स्टडी के बेसिस पे ही हम जो है इंडिया को डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर में राइट, ऐसा मानना था इन ब्रिटिशर्स का। तो अब जो ये दोनों ब्रिटिशर्स हैं ये क्या करते हैं, वो एंशियंट टेक्स्ट को जो है डिस्कवर करते रहते हैं, उनके मीनिंग को समझते रहते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं, एंड एक तरह से अपनी फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। सो दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस टू रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट। तो वो बोलते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है कि एंशियंट टेक्स्ट को वो रीडिस्कवर कर रहे हैं, उनके मीनिंग समझ रहे हैं, उन्हें ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसके थ्रू तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन कल्चर को तो लर्न करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ जो इंडियंस हैं उन्हें भी जो है इससे हेल्प मिलेगी, वो अपना जो पुराना हेरिटेज है उसे वो रीडिस्कवर कर सकते हैं, जो पुराने समय की ग्लोरीज थी इनकी उन्हें जो कि यहाँ पे खत्म हो चुकी थी उसे वो समझ भी सकते हैं।
एंड इस प्रोसेस में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब इंडियन कल्चर को भी जो है समझने की कोशिश करेंगे एंड अपने मास्टर्स को भी जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इन आइडिया से अब कंपनी के कई ऑफिशियल्स जो थे वो भी प्रभावित हो जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि अब ब्रिटिशर्स जो है उन्हें इंडियंस को जो है प्रमोट करना चाहिए रेदर देन दी वेस्टर्न लर्निंग, राइट। वो बोलते हैं कि इंडियन लर्निंग जो इंडिया के एंशियंट टेक्स्ट है इन्हें हमें जो है प्रमोट करना चाहिए देन दी वेस्टर्न लर्निंग। एंड दे फेल्ट दैट कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हमें यहाँ पे सेटअप करने चाहिए जो कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट की स्टडी को इनकरेज करेंगे एंड यहाँ पे हम संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री जो है उसे भी टीच करेंगे। ओके, सो द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम जो है दे आउट टू बी टॉट बट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विद, राइट। उन्हें जो है पहले से हम वही चीजें पढ़ाएंगे जिसे वो जानते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम जो है। ओके, एंड बट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर जिन चीजों को जो है वो वैल्यू करते हैं जिन चीजों के ऊपर उनका विश्वास है हम जो है वही चीजें उन्हें पढ़ाएंगे क्योंकि वो अपने एंशियंट टेक्स्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा विश्वास करते थे तो वो बोलते कि हम यही चीजें उन्हें पढ़ाएंगे। ओके, सो ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। तो इस तरह से ये चीजें करके ब्रिटिशर्स जो है अपनी जगह इंडियंस के मन में जो है वो बनाना चाहते थे। ओके, सो विद दिस ऑब्जेक्ट इन अ व्यू मदरसा जो है वो यहाँ पे सेटअप किया गया था। मदरसा जो है एक अरेबिक वर्ड है लर्निंग की एक प्लेस के लिए। ओके, एक स्कूल होता है मुस्लिम लर्निंग का उसे जो है मदरसा बोला जाता है। एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज जो है उसे मदरसा बोला जाता है जिसमें मुस्लिम टीचिंग्स जो है वो दी जाती है। ओके, तो मदरसा जो है वो यहाँ पे सेटअप किया जाता है इन लोगों को खुश करने के लिए। कैलकाटा में 1781 में अरेबिक पर्शियन एंड इस्लामिक स्टडी को या फिर इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के लिए। देन एक हिंदू कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है बनारस में 1791 में एंशंट संस्कृत टेक्स्ट जो है उसकी स्टडी के लिए। ओके, एंड नॉट ऑल द ऑफिशियल शेयर दीज व्यूज। हाउएवर मोस्टली ऐसे ऑफिशियल्स थे जो कि ये व्यूज यहाँ पे समझते थे कि हमें जो है इंडियन जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं वो ही दोबारा से जो है हमें इन लोगों को पढ़ाने चाहिए इन नेटिव्स को पढ़ाने चाहिए सो डैट कि इन नेटिव्स को यहाँ पे जो है सिविलाइज किया जा सके, राइट। ऐसा ये मानते थे बट ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रिटिशर्स जो हैं या फिर पूरे जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं सभी जो है ऐसा व्यू रखते हैं, राइट। तो कुछ के व्यूज जो है वो यहाँ पे डिफरेंट थे। वो जो है एक तरह से जो मॉडर्न इनके अपने एक हम बोल सकते हैं जो मॉडर्न लर्निंग है वो यहाँ पे देना चाहते थे इंडियंस को, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। देखेंगे कि किस तरह से अब जो है इनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि ये कुछ ऑफिशियल जो से वो पुरानी जो स्टडीज होती है वो दोबारा से समझाना चाहते थे इंडियंस को सो डैट कि जो इंडियन नेटिव्स हैं वो सिविलाइज हो जाएं बट कुछ ऑफिशियल जो हैं वो जो है क्रिटिसाइज करते थे इन ओरिएंटलिस्ट को एंड वो मानते थे कि हमें जो है मॉडर्न स्टडी जो है वो यहाँ पे करवानी चाहिए सो डैट कि जो नेटिव्स हैं जो इंडियंस हैं वो सिविलाइज हो जाएं, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।